गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस का रिवीजन वर्क के बाद हम मैथ सब्जेक्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा है बच्चों, राइट फॉरवर्ड काउंटिंग 21 to 60। तो बच्चों हमें आगे बढ़ती हुई काउंटिंग राइट करनी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक की, 21 से 60 तक की आपको बैक फॉरवर्ड काउंटिंग राइट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे है बच्चों, राइट बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 80 से लेकर के 41 तक की काउंटिंग आपको बैकवर्ड काउंटिंग राइट करनी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स दैट मेक अप द फॉलोइंग नंबर से। बच्चों यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ओनली वन प्लेस वैल्यू राइट किया है, जैसे कि आप मैंने आपको नोटबुक में भी राइट करवाया था पहले, तो आपको मैंने यहाँ पर ओनली एग्जाम्पल के तौर पे ये एक वन ही राइट किया है। यहाँ लिखा हुआ है 68। तो बच्चों हम इस 6 को क्या बोल रहे हैं, 60 बोल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या राइट करना है, 6068 को हम क्या बोल रहे हैं, 8 बोल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ओनली 8 राइट करना है। 68 का 6 का क्या हो गया 60, और 8 क्या हो गया 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं बच्चों हम, राइट द नंबर्स फॉर द गिवन प्लेस वैल्यू। सेम पैटर्न रहेगा बच्चों इसके अंदर, हमने हमें क्या करना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 45, तो हमें इस 40 का हमें यहाँ पे क्या राइट करना है, 4 राइट करना है, और 5 का हमें क्या राइट करना है, 5 राइट करना है। ये हो गया यहाँ पे 45 है। तो बच्चों आप लोगों को ये अच्छे से देख लेना है, क्योंकि आपको मैंने आपकी नोटबुक में भी राइट करवाया है, साथ ही बच्चों मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस राइट किए हैं उनके एक्सरसाइजेस भी राइट की है कि ये क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज से रिलेटेड करता है। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, ये है 1.1 का, ये 1.4 का है, ये 1.4 का है। आगे बढ़ते हैं हम 1.5 वाले एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, राइट द नंबर शोन ऑन द अबेकस। तो बच्चों यहाँ पे ये अबेकस दिया गया है, इसके अंदर हमें बीड्स को काउंट करना है, और उसके बाद में हमें यहाँ पर राइट करना है कि इस बीड्स में कितने दिए, इस अबेकस में कितने बीड्स दिए गए हैं। वंस वाली लाइन में दिए गए हैं बच्चों 1 2 3 4, तो हमें 4 किस किधर की तरफ राइट करना है, वंस की तरफ हमें राइट करना है। टेंस वाली लाइन में दिए गए हैं 1 2 3, तो हमें 3 किस किधर की तरफ राइट करना है, टेंस की तरफ राइट करने हैं। तो यहाँ आंसर आ रहा है 34। क्वेश्चन नंबर 6 वो भी 1.5 एक्सरसाइज से रिलेटेड है बच्चों। यहाँ में क्या करना है, ड्रॉ बीड्स ऑन द अबेकस टू शोन शो नंबर से। तो बच्चों यहाँ पे इस अबेकस के अंदर जो नंबर्स दिए गए हैं वहां पर हमें क्या करनी है, बीड्स बनानी है। जैसे कि टेंस में वंस में कितने बीड्स बनानी है, हमें 3 बीड्स बनानी है, हमें यहाँ पे बनानी है 1 2 3, और टेंस वाली लाइन में हमें कितनी बीड्स बनानी है, 2 बीड्स बनानी है, 1 and 2। तो ये इसी प्रकार से आपको बीट्स बनानी है अबेकस के अंदर, और इसके अंदर बीट्स को काउंट करके यहाँ पे डिजिट्स राइट करने हैं बच्चों। आप अच्छे तरह से देख लीजिए बच्चों कौन सा क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज से रिलेटेड हो रहा है। बच्चों सारी एक्सरसाइज मैंने साइड में दी गई है, यहाँ पे राइट कर दी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि हमें इन नंबर्स को खोल के लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है 54, तो 5 को हम क्या बोल रहे हैं, 5 किस में आ रहा है, यहाँ पे टेंस में आ रहा है, 4 किस में आ रहा है, यहाँ पे वंस में आ रहा है। यहाँ पर हमने 5 को क्या बोला है, 50 बोला है, तो 50 हमें यहाँ पे राइट कर दिया। 4 को हमने क्या बोला है, 4 बोला है, तो हमने यहाँ पे 54 राइट कर दिया है बच्चों। तो इसलिए हमने हमने यहाँ पे इसको क्या किया है, खोल के लिखा है, इस 54 को हमने खोल के लिखा है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो अभी एक्सरसाइज नंबर 1.6 से रिलेटेड है। यहाँ हमें क्या करना है, राइट द नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। जो ये नंबर्स दिए गए हैं इनको हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर एक्सपेंडेड हो रखे हैं, इनको हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3 times 8 once, तो 3 को हम क्या बोल रहे हैं, 30, और 8 को हम क्या बोल रहे हैं, 8। दोनों को मिला के क्या हो गया, 38। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। एक्सरसाइज नंबर 1.6 को आप ओपन करके देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 1.8 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सर्किल द बिगर नंबर नंबर्स, सर्किल द बिगर नंबर। बच्चों मैंने 2 बार नंबर लिख दिया है, सॉरी इसके लिए, सर्किल द बिगर नंबर। हमें यहाँ पर बच्चों ये दिए गए जैसे 1 to 12 and 0 8, इन दोनों में से कौन सी डिजिट बड़ी है, 12
12 बड़ी है या फिर 8 बड़ी है, तो हमें यहाँ पर बड़ी वाली डिजिट पे क्या करना है, संख्या पे क्या करना है, सर्किल करना है। जैसे कि एग्जाम्पल पे जैसे यहाँ दे रखा है 48 में से, 92 में से और 69 में से कौन सी डिजिट बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है, 92 बड़ी है, तो हमें यहाँ पे 92 पे सर्किल करना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी एक्सरसाइज नंबर 1.8 से रिलेटेड है। हमें यहाँ पर क्या करना है, सर्किल द स्मॉलर नंबर, हमें यहाँ पर छोटी वाली संख्या पे सर्किल करना है। 47 और 65 में से कौन सी संख्या छोटी है, 47, तो हमने यहाँ पे 47 पे सर्किल कर दिया है। 32, 48 एंड 53 में से कौन सी सर्किल छोट कौन सी संख्या छोटी है, 32, तो हमने यहाँ पे 32 पे सर्किल कर दिया है। एक्सरसाइज नंबर 1.7 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 11 जो है, पुट बच्चों यहाँ पे 3 सिंबल्स दिए गए हैं, तो हमें जो डिजिट बड़ी है उसकी तरफ कौन सा सिंबल लगाना है, जैसे कि 27 और 23 में से कौन सी डिजिट बड़ी है, 27, तो हमने इसका मुंह इधर कर दिया है। 33 और 55 में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो हमें यहाँ पे 55 की तरफ मुंह इधर कर दिया है। 20 और 20 में से कौन सी डिजिट बड़ी है, बच्चों यहाँ पे दोनों सेम डिजिट है तो ये इक्वल आ रही है, तो हमने यहाँ पे इक्वल वाला सिंबल राइट किया। तो इसी प्रकार से बच्चों बहुत सारे डिजिट्स आएंगी जो आपको करना है, ये वाला सिंबल लगाना है बच्चों। एक्सरसाइज नंबर 1.9 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 12 जो है, अरेंज द नंबर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों बढ़ता हुआ क्रम, तो हमें जो डिजिट्स दी गई है उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जैसे कि सबसे छोटी वाली डिजिट हमने सबसे पहले राइट की है, उससे बड़ी वाली जस्ट बड़ी वाली डिजिट हमने यहाँ राइट की, और सबसे बड़ी वाली डिजिट हमने यहाँ पे लास्ट में राइट की है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। क्वेश्चन नंबर 1.9 से ही रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज द नंबर्स टू इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों घटता हुआ क्रम, जैसे कि यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई है उसको हमने घटा के लिखी है। कैसे लिखी है, सबसे बड़ी डिजिट को हमने सबसे पहले लिखा है, उससे जस्ट छोटे छोटे वाले डिजिट को हमने यहाँ लिखा है, और सबसे छोटे वाले डिजिट को हमने यहाँ राइट किया है। एक्सरसाइज नंबर 1.10 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 14 जो है, राइट ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट टू 10th। बच्चों आपको ऑर्डिनल नंबर्स राइट करने हैं, इस प्रकार से भी करने हैं और इस प्रकार से भी करने हैं, FIRST फर्स्ट और TENTH 10th, फर्स्ट से लेकर के 10th तक के जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं वो है। एक्सरसाइज नंबर 1.10 से रिलेटेड है, वो आपको अपने नोटबुक में राइट करना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे आपके एडिशन आएंगे 3 डिजिट वाले, सब्ट्रैक्शन आएंगे आपको 3 डिजिट वाले, मल्टीप्लाई आएगा आपको 1 डिजिट वाला, और नंबर नेम आएंगे आपके कोई से भी आ सकते हैं बच्चों, जरूरी नहीं है कि आपके यही नंबर नेम आए, 1 से लेकर के 100 तक में कोई सा भी नंबर नेम आ सकता है, बस मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये पेपर शो किया है। ठीक है बच्चों, आप रेडी हो जाइए एग्जाम्स के लिए।